వీడియో. పదడు బాపు, అరే నువ్వు కరదా తెరే కొట్టే మీద దడాం కిసి ఆవాజ్ అయ్యి. బాపు మేరే కోటరే మే నా కచ్చా బనియాన్ గిర గయా. కచ్చా బనియాన? హా భాయ్, కచ్చా బనియాన్ మే ఇతని ఆవాజ్ హోయ్? బాపు కచ్చా బనియాన్ మే మే భీ తో థా. అచ్చా హా, పర్ బాపు తేరే కోటరే మే బడి జోర్ కి ఆవాజ్ ఆతి దడాం కి. మేరే కోటరే మే సే ఔర్ క్యా? तू धार ला इससे क्यों? तेरे कोठे में से भी आवाज आई रा ससुरा, चल घर में काम धाम तो करता रही, तेरे कोठे में से भी आवाज आई. मेरी ओड़ को आड़ा था छोटड़ी काट के. लाजो, ए लाजो, आमाजी आई. एक बार सुन ले तावली. क्या माजी, पिताजी मर गए क्या? ए मर तो जाता पर हराम खाना लात लगते ही भागा चला गया. नौ तो ठोके गोड देती. क्यों माजी, थारे पाँव न दबाए क्या? ए पाँव की बात छोड़, उसने तो आज मेरी इज्जत पे हाथ जेर दिया होता. फिर माजी कुछ करा उन्होंने? इतना तो मैंने मौका ही ना दिया. कुत्ते की ढाल जीभ काट के मेरी ओड़ को आ रहा था, मैंने मुहरी थूथड़ी पे लात खींच के वहाँ जाके पड़ा. माजी आज पदलू ने भी ऐसे काम करा, उसमें ही पड़ी ढंकी लात. जी भी दोनों चले गए लग तो ही. लाजो तुझे याद है जब ये दारू पी के आए थे और इन्होंने मार पे हाथ उठाया था, जब से हमारे सिर पे चढ़ गई है. हाँ माजी, जब से इन्होंने काम धाम भी बंद कर दिया. बिल्कुल, एक काम करो, इन्हें तावली सुधार दो, नहीं तो ये बहुत बुरा कर देंगे. माजी तुम तो एक काम करो, मुझे थारे जानने वाले जो पुलिस में दो आदमी है ना, उनको फोन करके यही बुलवा लो. फिर देखो इस ढाल लग जाएंगे जैसे कातक के महीने में कुत्ते के पीछे कुत्ते लग जाए. तू ठीक है, मैं अभी फोन करके आऊँ और इनके दो दो लगाऊंगी, जब भी ठीक होंगी. ठीक है माजी. लाजो, ए लाजो. क्या है पिताजी? मैं तो नुकार था, तेरी माँ ना दिखाई दे रही, कहाँ गई? थारा इंतजाम करवाने गई है. मारा इंतजाम? मेरा मतलब है जंगल घूमन गई. अच्छा. अरे हराम खाओ, तुम यूँ बताओ तुम तड़के थे कहाँ मर रहे थे? तुम्हें यूँ ना दिख दिया कि चाय बना लो. दिखा मेरे से घनी पकवाद न करिए, बता रहा हूँ तुझे मैं, तन्ने वैसी तड़क तड़क ओठम कर दिए, लात मारी तन्ने मेरा. क्या कर लेगा बता, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हम कुछ करने का मार का, कुछ भी ना करने के. हम जब हम करने पा हमें ना, हाँ सिर को बीच में लपाट दे साले को. घमंडी मारकू है, आज काटेंगे तेरा सारा घमंड. से कौन है भूतनी का? दिक्कत ये तो बाद में देखूंगा, पहले सारा इनते निमट के आऊ मैं. अरे हम है तेरे खलेऊ. अरे खलेऊ, हम है तेरे खलेऊ. हम खलेऊ? हम है हम तेरे खलेऊ. बिलाओ जी मार दो. रे कू रे कू. अरे जी बात, अरे जी बात, 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 जी मेरा नाम है गुरु घंटाल सिंह. गुरु घंटाल सिंह? हाँ सिपाही हूँ मैं. बहुत बढ़िया नाम है. अरे सारी फिटफिट बना आया मैं. हाँ और सुन लो, मेरा नाम से अवलदार टेड्डा सिंह. अच्छा. मैंने बड़े बड़े टेड्डो को सीधा कर दिया, पर मैं आज भी टेड्डे का टेड्डा ही हूँ. एक बात बताओ, भगवान कसम तुम ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हैं. दिक्कत में गेट पाड़ दे. गेट पाड़ दूं तेरा? मैं तो नु कह रहा, अब तुम ना हवलदार से वो बन जाओ थानेदार. दीवान जी तुम्हारी गलती क्या है? गलती? अबे गलती का तो ढेर लग रहा तेरे पे साला, सीधी फांसी होगी. फांसी होगी? अपनी लुगाइयों को छेड़ो. दीवान जी हम तो अपनी लुगाइयों को अपनी बहन की तरह मान रहे हैं. भाई साहब बिल्कुल सही करा है. देखियो पूरे गांव में मारे जासूस लग रहे हैं. जी बाबूजी हमारी गलती क्या है? अरे तेरी भांड के टिक्कड़ में बाबूजी कह रहे. वो सर जी गलती हो गई. अरे बाबूजी कह रहा है पैंत भाषा में, हम बाबूजी दिख रहे हैं इसे. तो साले पे केस लगाओ, तो केस लगाओ साले पे. सुधा फांसी होगी. फांसी होगी? हाँ. ऐसा क्यों होगा? क्यों हो गया? हम अपनी लुगाई के पैर न दबाते, हम घर का काम ना करते और हम उनके लगते भी ना धोते. अजी अब करेंगे ऐसे ही. रे पदड़ू, अब बापू मेरा ससुर अपनी माँ को बुला ले. अच्छा वही बचा सका उसके पाप पकड़ लेंगे. ठीक है.
माँ भगा दिया उसे। वो तो बीड़ी लेने गया। बीड़ी खड़ी तुम्हें माँ माँ भगवान करती होगी आपका बचा ले इनसे। क्या अपनी माँ के पास पकड़ ले। मुझे माफ कर दे मेरी माँ। देखो जी अब कितने ने माफ कर दो। अगर इन्होंने फिर ऐसी गलती करी तो मैं फिर बुला लूंगी। ठीक है जैसे आपके हुक्म आते लाओ हमारी फीस। लाजो बेटी जब पैसे लेके आते थे। पैसे 5-5 रुपए लेके आ। पैसे तो हम कल मेकअप ना लिया है। क्या लिया है? मेकअप ना लिया है। कल मेकअप और क्या जा तो एक एक रोटी और एक एक गुड़ के डल लिया बेचारे खा लेंगे। ठीक है खाली हमें तो ना मिली। हम बाबू कल से ना मिली। फिर सुधर लो। टाइम है तुम्हारा सुधरने का। अजी सुधर गया। वो आखिरी मौका है तुम्हारा। आजी वाली आज एक उसे दे। अच्छा प्रणाम माते। जाओ माँ देख लियो। हाँ माँ आज ये रोटी हमें भी दे दे। ऐसा मारूंगी रैप का खींच के कि दोनों आंख निकल जाएंगी। भर अपनी माँ के साथ मेरे ससुर जी ने और पार लगकर रोटी खवा खवा कर हमें हमें आधी रोटी भी दे देती। ना मरे परे को। लेकिन हम अपने तेरे को कूटने का प्रोग्राम कैंसिल ना करेंगे। नाले मेरे करिश्मा कपूर नाले। नाले 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 मर गया सालों दही तोड़ दी। बापू क्या हुआ? सब कुछ भी ना हुआ मेरे ससुरे। बापू मुझे तो नू लगे आज तड़की तरह किसी ने तेरा पाता था पूजा दिखे। अगर रहने दे मेरे ससुरे पाता तो मैं तेरा भी पूछ दूंगा साले गाड़ दूंगा ठा के भी। बापू मुझे लगे तू भी पूरा जिनावर है मुझे गाड़ देगा। उनको गाड़ क्या जिनसे तू लड़के आया? मैं कह रहा मगर रहने दे साले पिट देगा अभी। लाट मेरे 5 बजे जो तूने दिन उधार लिए थे दूं अभी लग जाए दूं दे जा चमड़े का झोला लिया सिमा के है पैसे दे मेरे 5 रुपए दे रहा नहीं दे रहा मर जा परे वो ससुरा। अरे रुको रुको तुम दोनों यही रुको मैं देख के आऊं बाबा सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तू फिकर न कर माजी सब इंतजाम करके आएंगी। अल्लाह तुम उरे को आके मेरी एक बात सुनो। बोलो जी के बोलना चाहो।
मेरी गर्ल ब्याह करना चाहो के? हराम खाने, तेरे ब्याह की बात कर रही हूँ मैं। इतना घना मलूक ना आ तो। मैं तेरे ते न्यू कह रही हूँ, तू ते आता जाता तो कुछ है नहीं। मैं जो औरत तेरे धोरे लेके आऊँ, जो कोई ग्राहक लेके आऊँ तेरे धोरे, तू मुझे कमीशन देगा? अरे नू तो तुम ठीक कहो, इसमें तो रात के ही पैसे बने। रहा थारा कमीशन का सवाल, कमीशन तेरी सारी पक्की है। मैं ग्राहक ऐसा ला चौका सा जिसमें कमाई पैदा हो, अब इन सब चीजों में कुछ नहीं रहा। देख तू राख दे ना, तो जो मैं औरत तेरे धोरे लेके आऊँ तू राख ही दे दियो उसे। ठीक है, तुम लेके आओ, मैं राख के पैसे बनाऊ। ठीक है। लो आ गई माँ जी भी। चलो 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 जल्दी चलो, कहीं बाबा फिर सो ना जाओ, अपना काम करके निकलेंगे फिर। ठीक है चलो। अल्लाह 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 अल्लाह। इस बेचारी औरत को लेके आई हूँ मैं थारे धोरे, इसके बालक न होते, इसे एक ऐसा बढ़िया सा ताबीज दे दो जिसके बालक हो जाओ। घबराओ मत बच्चा, अब तू बाबा के पास आया, बालक अपने आप होने लगेंगे। तू नू समझ, तेरे 5-7 मिनट में 5-7 पिल्ले हो जावेंगे। मेरा मतलब बालक होन से है, तेरे बालक 5-7 हो जावेंगे। ये ले ताबीज, इसे पड़ोसी के घर में गेट दियो और तेरे बच्चे हो जावेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। इससे बढ़िया धंधा तो कोई है ही ना, आम के आम गुठलियों के दाम। अरे अरे रुकियो रुकियो, मैं तो अपनी चप्पल ही भूल आई हूँ। हाँ माँ जी, चप्पल लेके आओ जाके, जाओ। अरे ओ ढोंगे बाबा, अल्लाह 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 अल्लाह, लिगाड़ मेरा कमीशन। अरे के बात की कमीशन, के बात की कमीशन? हाँ तेरे ते कहीं ना थी जो मैं ग्राहक लेके आऊं मेरा कमीशन दे दियो। अरे ग्राहक तो ढंग से ला। ढंग से? हाँ ढंग से कैसे लेके आऊं, पैसे ना दियो उसने तेरे? अरे एक ग्राहक में क्या होवे, तो और लेके आऊंगी, पहले कमीशन तो दे एक का। चल ले ठीक है, ये ले ये ले ये दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे यार वहां पीछे से कितने डर गई,
अनु है तू चाय में भी लेके आया। ऐसे करिए भाई, हाँ काली चरण का आखिरी जुगाड़ खड़ा। अच्छा कभी वो निकट जा जल्दी आइए। अरे ना तू चाल में भी आ, ये भी ले आया मैं। पता नहीं कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, पता नहीं राम की बच्ची आरंग रसने देखूंगा मैं। मैं इस बिचारी को लेके आई हूँ, इसके बालक न होते इसे कोई ऐसा ताबीज दे दो जो इसके बालक हो जाए। बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ तो तूने समझ, तेरे 5-7 मिनटों में 5-7 बच्चे हो जाएंगे। हाँ सकड़ी, इन सब में इलाज करवा ले, बहुत अच्छे बाबा आई है। हमने तो अपने ताबीजों से कईयों के बालक पैदा कर दिए। बेटा तू घबरा मत, क्या तेरा नाम छत्री है? तेरा घर वाले बेचा छत्री है और उसका नाम करतारे है? भगत जी आपको कैसे पता चला? ए लाजो भगत जी तो सही कह रहे हैं, मैं ना कहती थी। हाँ तो नू समाज, तेरे बालक हो जाएंगे। ये ले ताबीज और इसे पड़ोसी घर में गिर दिए और तेरे बच्चे हो जाएंगे। ये ले और ये 500 रुपए इधर दे दे, जल्दी दे दे पैसे। मेरी कमीशन दे दे। ये ले अपनी कमीशन, ये ले कमीशन अपनी, और ग्राहक लेके आ। ये मेरी कमीशन दे इन्हें। और ले बेटा, ये तो तेरी उस्ताद निकली। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे तू आ गई राम की बच्ची, अरे की मर गई थी? मैं रोना गई थी जवाले। अच्छा पीछे गए तावली? मेरे बिना खर्च हो गए सारे। अरे के कह रही है तेरे के एड्स की बीमारी होगी, अरे पीसे लिया तावली। एक बार क्या हजार फिर क्या, मेरे पास ना पैसे वैसे। अरे तू ऐसे ना मानने की, तेरे खुराक देनी पड़ेगी। बता दो ये बदरू की माँ के साथ गई थी भगत के पास तावीज लेने बच्चे होने के। अच्छा वह भगत करेगा तेरे बालक? अरे मेरे तो पूछ लेती, अरे तेरे तो देखूंगा बाद में, और पहले उस बदली ना देख के आऊंगा। मेरे ससुरे गिर जा, इतने बढ़ते कोशिश कर रहा ता गिर के दिखे दज लगे भाई, वो भी पूरा पदलू की ढाल साला कम बखत है, घंटे बढ़ते कोशिश कर रहा साला। बापू एक और मिल गया, एक और मिल गया। तेरा तेरी माँ का ढक्का ठाया मन, एक और मिलेगा। ससुरे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मरे, फाड़ के लिया हुआ। बापू एक रुपया दे दे, किसकी खाऊंगा। दू भी एक रुपया दे दे, 50 पैसे धरे भीतर ले जा। 50 पैसे में चुस्की आवे क्या? इससे अब करवा लिए कोई काम। अरे वो पदड़ू, वो पदड़ू रे बहरे सुन ले बापू, ये जब पदड़ू ही ना कह दिया मजब का, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। हाँ मैं रे मेरे ससुरे मर जा परेगू। भगत नहीं बाहर निकल, अपने तो दिमाग खराब हो रहा है चुस्की के चक्कर में। हाँ दिमाग खराब हेलो है। अरे बुढ़िया को बाहर काट, अरे बाहर काट बुढ़िया को। क्या कुछ बात भी हुई? अरे तू बुढ़िया से बाहर काट, अरे मारूंगा 2 हफ्ते। तू मारेगा? हाँ तू मारेगा। हाँ साले प्रधान के इलेक्शन में खड़ा होना, तेरी वोट की जरूरत है। मैं तो साले रह पड़ लगते उंधा कर दूंगा एक में। अच्छा प्रधान बनाऊ तेने 2 मिनट में बिना वोट के? 2 मिनट में तू बनाओगा प्रधान? तू बनाओगा? मैं जा तेरा ससुरा, तेरे पास लोग खुद तो बना नहीं गया, मुझे बनाओगा प्रधान ही हूँ।
तू है 500 रुपए दे दे मैंने कावली जो तेरी बुढ़िया मेरी घराली को लेकर खर्च करा गई। 500? हाँ 500। हाँ अच्छा भाई अल्लाह ना ले जाने के लिए नोट। बापू देख कर आ मास्टर चलो को मैंने बेरा था तुम बिना खुराक लिए नहीं मानो जाए तो थारे दो दो फूफा लेके आया हूँ। अरे मारो सारा के अरे मारो रे आएगी तू एक काम कर तो लौट मैं आ रहा हूँ अभी ठीक है किसी काम से जा रहा हूँ मैं जल्दी आइयो अच्छा ध्यान रखे रोड तो लड़ा ना ये धर्मे ओ धर्मे मेरे यार तू तो सोया पड़ा रात कहीं गया था क्या जे ना लाने की मना कर देता पड़गा ऐसा यार धर्मे ओ धर्मे धर्मे क्या बात है उस हराम खाने ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला थोड़ा हराम खाना भूतले मैं देखना सर जल्दी आ रहा मांगे अभी तो जल्दी घर वाले जाकर साला बहुत छेड़ दी मेरी नाल
जल्दी आ तो आ जल्दी बा, किसी ने देखा तो ना मेरा भूत नहीं क्या मैंने देखा बा धर्म है बा भगवान का सब मन तो तू जाना था यार अच्छा बहू की धोती मठा में बेहतर लेने के लिए हुआ जल्दी आए रखो जल्दी आओ मारो क्या कर रहा है वो अमरूद तोड़ रहा हूँ सवेरे से अमरूद तोड़ रहा हूँ एक मिनट टूटा एक काम कर क्या बापू उसके धोरा जा मरे इसके अच्छा और तू एक बोलिया क्या एक पौवा लिया जाके पौवा मैं बापू कभी कदा तो तू बड़े काम की बातें करे मेरी सुन बात क्या भाई पांच सात दिन हो लिए हाँ तीन चार बार दिन में आराम से पिट ले हाँ ये बात तो है बापू और भाई पूरे शरीर में दर्द हो रहा हाँ तू तावड़ा जा अच्छा भाई यो दारू दवा का काम करेगी ठीक है और एक काम और कर क्या काले ब्राह्मण की दुकान पे जाइए अच्छा और भाई मेरा नाम ले दिए हाँ क्या दो रुपए का नमकीन लेकर आ जाओ दो रुपए का नमकीन ले आइयो वो ना देने का ऐसे उसके तो पहले बहुत सारे उधार पड़े हुए हैं हमारे ऊपर एक बार तो मेरा कच्चा तारने को तैयार हो गया कच्चा तारने को तैयार होगा और क्या तो साले को तार देता फिर हाँ तार देता खाना खा की बात करे दिमाग खराब करने वाली बापू हाँ तार देता भैया लिया जा तावड़ा जा दे देगा बापू वो बिल्कुल मेरे नाम से दे देगा देख ले हाँ जा चल तो तू कह रहा तो मैं बात मान लेता हूँ तावड़ा जाइए हाँ मैं जा रहा हूँ भाई कुत्ते की ढाल जा अच्छा और कुत्ते की ढाल वापस आ जल्दी ठीक है बापू एक बार प्रधान बढ़ जाओ मेरे ससुर को सारे को देख लू मैं बना भाई तावड़ा बना बना रहा बापू बना रहा हूँ ले बापू गटक जा रह तन्ने तो पैक भी पूरा तगड़ा ही बना दिया मेरे यार गटक जा ना मजा आएगा ले नमकीन खा नमकीन बेटे पदड़ू हाँ बापू साल ने ये पैक ने क्वार्ट से खोल दिया कभी हाँ बापू ये तो है यहाँ रखो ये बिखर जावे कभी बापू देखियो जरा हाँ माँ भाई वो तो कोई भी ना दिखा जा रहा मुझे साला कोई भी ना दिखा जा रहा अच्छा मेरी भी लगा ली बापू पैक बड़ा चलता बड़ा अच्छे बना रहा बेटा हल्का हल्का बना थोड़ा हल्का हल्का बना ना बापू ले या बापू थोड़ी सी मैं भी ले लेता ना बेटा गंदी बात है बहुत बुरी चीज है अच्छा दारू को हाथ लगाना बहुत बुरी चीज है ठीक है बेटे हाँ ठीक है मैं दारू कभी हाथ नहीं लगाता बेटे और ना और क्या लगाओ जब भी लगाते हो साड़ी को मुंह लगाते हो हाथ लगाना गंदी बात बेटे पैक बनाता हूँ बना रहा हूँ बना तावड़ा बना बना रहा हूँ बापू तेरे की बापू जरा देखियो देखियो जरा कहाँ सामने बाबे भाई मुझे तो ना दिखा देना साला कुछ भी हुआ कुछ ना दिखा दे रहा हाँ अरे मेरी सुसरी पीढ़ी और बुज्जा साली बार बार ही हो अरे बापू हाँ इसमें तो है ही ना कुछ भी हाँ इसमें ना कुछ भी अब कुछ भी ना ना देख ले दिखाइए दे भाई यू कैसा हो यार पता नहीं बापू इस बोतल में हाँ बापू इतनी बड़ी बोतल में हाँ दो ही पैक बड़े मुझे क्या पता बापू तेरे सामने बना रहा हूँ मैं तो बेटे हर चीज में मिलावट आ रही है वांछित हाँ बापू समझ में आई हाँ एक काम कर मेरी सुन क्या बापू धर में फर में हाँ जितने साले गाँव में पहलवान है हाँ अकेला एक ठीक है बापू घमंडी पहलवान अच्छा बापू बेटे अगर प्रधान बन गए ना हाँ बापू जितने साले पहलवान है हाँ सड़ गए हाथ हाँ बेटा जड़ तो पाड़ दो ठीक है बापू गले दाल दो ठीक है बापू तू एक काम कर क्या तावड़ा मेरी गल खड़ा हो ठीक है
आज हम साल में ठीक है अकेला घमंडी है ना अकेला साले पूरे गांव पे हमला कर देगा ठीक है तू मेरे क्या चल ठीक है तावड़ा खड़ा हो चल ठीक है आ बेटे हाँ तावड़ा खड़ा हो बापू ये बात सुन ले बोल बेटे तू मुझे पत्नी ना कह कर नहीं तो मेरे अगले किसी जरा सर फोड़ दूंगा बेटे मेरी बात सुन हाँ क्या साले गांव तो पहले यही महाभारत हो जाएगी आज नहीं बापू जी अगले ना तू बेटे मेरा बेटा है पदड़ू बापू पदड़ू मत कह दिया फिर दोबारा से क्या आ बेटे चलो बापू हम देखेंगे कौन कौन क्या क्या करेगा गांव में तू देखेगा और कौन देखेगा सारे खेड़ की गांव में हाँ आस पास के गांवों में हाँ बापू मेरे से बड़ा तो सारा पहलवान ही ना हुआ इसमें तो कोई दोरा नहीं बापू मैं देखूं आज पूरे गांव को ठीक है बेटे हाँ बापू पूरे गांव को हाँ अकेला देख लूँ हाँ ये बात तो है बापू भाई जब प्रधान बन गया हाँ तो साले को पूरे जिला में रेट को देख लूँ मैं ठीक है बापू कुचल कुचल का मारी कुचल कुचल का समझ में आई बात ठीक है अकेला घमंडी हाँ करता रे हाँ धर्म हाँ हत्तो हाँ साले को जमीन चटा दूँ अकेला अच्छा बापू क्या मान रहा मुझे अच्छा साले को कहा अबे निकलो मैं करता रे उतनी क्या बात है अबे धर्म आगे वो भाई राम राम भाई धर्म भाई राम राम हाथ मिलाओ भाई साहब बापू बेटे ये गांव के ना ये हाँ तो ये गांव के बहुत इज्जतदार आदमी है अच्छा बहुत बड़े आदमी है गांव के अच्छा ये जो है तिंदो हाँ ये गांव के प्रधान है बेटे राम राम कर बापू उतारना पड़ेगा भूत हाँ माँ बापू मुझे भी डूबा के पड़ गया समझा दो अपने सिंधारे को कि जिन्हें मैं चीर फोड़ के रख दूंगा मैं राम खड़ो तुम ऐसे भी बीज बोते फिरोगे बेटे गाँव वालों तुम फिर आ गए भाई तुमने मुझे कैसे मुझे खानू बताओ तुम मुझे भाई तुम्हें पूरे खेड की गाँव में ही मिला गया बेटे जिस दिन गाँव का प्रधान हो गया ना भाई नू समझ लो एक कक्के साले के हाथ पाट दूंगा चढ़ दा मैंने घमंडी साले खेड़ की गांव वाले तो कुछ मुझे मानते नहीं पर लादेन जो ना लादेन वो लादेन साला जिसने अमेरिका में बम फाड़े अरे कांपता है मेरे सामने घमंडी के सामने कांपता है और परवेज मुशर्रफ है ना साला वो कौन है साला वो परवेज मुशर्रफ घमंडी से फोन पर बात करता है वो परवेज मुशर्रफ और तुम जो ना खेड़ की गाँव वालों चलो थर तम ना मेरी इज्जत नहीं करते बेटे जिस दिन घमंडी गांव का प्रधान बन गया उस दिन पूरे गांव में तहलका मचा देगा अरे ताऊ तहलका तो बाद में चाहिए पहले आंख खोल के देख मैं कौन हूँ रे कौन है भूतनी का ऊपर को उठ जाता हूँ क्या बात है पहले मेरे पीछे थे तावड़े करके कौन से पैसे बहुत बढ़िया था जब नाच को पैसे लिए तो न्यू कह रहा है कि 5-7 दिन में दे दूंगा और आज 20 दिन हो लिए तूने पैसे देने का नाम ना लिया भाई फत्तू बोलता हूँ फत्तू भाई एक बात सुन हाँ बोल भाई पूरे खेड़ के गाँव में सब टॉप का लौंडा तू ताऊ मेरी बात सुन मैं टॉप का तो हूँ भाई लेकिन जितना मैं बढ़िया हूँ उतना राम भी हूँ अच्छा मेरे पीछे देते तावड़े करके बात खत्म मुझे कुछ ना सुनना भाई पीछे की बात सुन भाई फत्तू बोलता हूँ कल तू आ गए ना किसी भी टाइम भाई अपने पीछे ले जा ठीक है कोई बात ना अब मेरी बात सुन ले कान खोल के बोल भाई बोल। मैं क्या कह रहा हूँ इब तो मैं जा रहा हूँ जब कल मेरे पीछे ना मिले ना तो मैं तुझे सारे गांव में भगा भगा के मारूंगा सुन ले मेरी बात को कान खोल के ठीक है सुन ली भाई सुनो इसकी भूतनी का नुकरा लोगो भगा भगा के मारो यो मारेगा साला भगा भगा घमंडी को बेटे घमंडी पर कोई हाथ ठा रहा है
घमंडी उसका जान का हाथ है ना, बेटे जड़ से पाट देगा, जड़ से पाट दो हाथ साड़ेगा। बेटे बेटे तू साले हाथ लगा के दिखा, मैं साल को जड़ से पाट दो साड़ेगा हाथ, कोई छाड़ दो। बापू 10-15 रुपए हमें भी देने खर्चे पानी के लिए। 10-15 रुपए? हाँ दूँ। क्या दूँ अभी? हाँ मैं तेरा ससुरा 24 घंटे पैसे दे दे पैसे दे दे। मैं पहले तुझे दूँ मेरा ससुरा पत्तू को दूँ उसे साढ़े कल उसे देने पैसे पैसे दे दे। आ रहा हूँ अभी जल्दी होगी ना। ना देता मत दे, हम तो बीड़ी पी रहे। ए, मेरे ससुरा घेर में को भी जाके देख लेगा। अब क्या 24 घंटे पैसों के पीछे तो पड़ा रहा। चल चलो लाजो, देख हराम खाना पैसे छुपा के गया। चल जी, बंसी के घर वाली भी कह रही थी उसके भी ले चलते साथ में। अरे चल रास्ते में आवाज दे देंगे। चल। चलो ताऊ रे, वो ताऊ कौन है भूतड़ी फत्तो? ला भाई ताऊ पैसे दे मेरे तावड़े करके, मुझे मवाड़े जाना खल लेने के लिए। रे मेरी सुन बात, पूरे गांव में सबका लेन देन चला है पर भाई तेरी तरह कर। आसन मत ना दे बे, पैसे दे मेरे जल्दी। आसन मत ना, मैंने बहुत देखे तेरे जैसे। बेटे एक बार घमंडी को प्रधान बन दे तू, तेरे जैसे को देखूंगा मैं। दिमाग खराब ना कर, पैसे लेके आता तू 500 रुपए लिए अकड़ दिखा रहा। पैसे लेके आता करके, पैसे लेके आ, लेके आ रहा हूँ खड़ा रहे। देख रहा भाई कालू पिसे गया भलाई का जमाना, नेक्की कर और जूते खा। तो साला 500 रुपए लिए अकड़ दिखा रहा, इसे हराम के बच्चों को पता नहीं साले को अगर मैं प्रधान होने वाला गांव का। 500 रुपए की बात है सारी। राम की बच्ची डायन मेरे पैसे ले गई काट के। अरे भाई मुझे तो न्यू लगा अगर मेरा ससुरा जिन्नाथ को अपनी गैल लेकर आओ। अरे भाई जो इसे पैसे ना दिए तो मेरी गैल बहुत बुरा करेगा। भाई गवंडी अब तो न्यू कर, पर भाई जान बचानी तो पुरानी वाली जगह पे छुप ले जब भी बच सके। जिनावर से जो आए थे। हाँ बापू। भारे खड़े भी मोहने पे वो तो बापू वही खड़े हुए। अच्छा बापू एक बात सुन। हाँ वे आए मेरे ससुर अपने पैसे लेने। पैसे लेने? और मन ने पैसे धरे थे। अच्छा भाई तेरी माँ लेके काट गए। हाँ बापू ये तो
बुरा हुआ बापू, एक काम कर, बोल। तू अपनी है ना पुरानी वाली तकरीब अपना ले। पुरानी वाली तरकीब? चलो हाँ चलो। कल्लू घनी देर हो लिया वहां बेटू को? हाँ ठीक है। हाँ चल के देखे जरा, चलो कहाँ पर चल उठते। मुझे लगा मेरा ससुरा घर ही छोड़ के भाग गए। कोई बात ना, अब तो भग लिए, बाद में देखेंगे। चल आगे देख, हमारा काम और बढ़ जाएगा जब हम खेड़की के साथ साथ झंझेड़ी और गाजीपुर की औरतों को भी भगत के धोरे ले जाया करेंगे। फिर तो ठीक है माँ जी, बहुत अच्छा काम ढूंढा आपने। और जल्दी जल्दी अले तो अच्छी बनाई है तने। अच्छी बनाई? एक काम करें। हाँ? एक आधा ग्राहक पटा के आवे। हाँ माजी, बंसी के घर वाली भी कह रही थी भगत के घर जाने को। अच्छा हाँ तो चल जी, चाय तो पी लो माजी पहले। चलती चल, महावीर के यहाँ होके चलेंगे। ठीक है चलो, चाय पी के चलेगी, जल्दी कर। चलो चाय भी नहीं पी लेती माजी अब तो। चल भगत जी, भगत जी, इस बिचारी को लेके आई हूँ मैं। ये हर टाइम बीमार ही है, इसे कोई ऐसा ताबीज दे दो कि जो बिल्कुल ठीक हो जाए। क्यों बेटा बीमार रहती हो? अभी बीमारी काटे देते हैं। ये ले बेटा, इसे अपने गले में डाल ली है, अभी बारी तेरी खत्म। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बाबा पे भरोसा रख। बड़ी बड़ी बीमारियां सही करी है हमने। भगत जी को जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। ले बेटा
एक एक्स्ट्रा और ले, ये अपने पति के गले में डाल दिए, वो भी तेरे काबू में रहेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। चल भगत जी जा रहे, ठीक है। अल्लाह 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 भला हो। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ भगत कमीशन दे दे मेरी। बोल तावड़ी बोल। अल्लाह अल्लाह बाद में कर लिए। ये ले अपनी कमीशन, और ऐसी ग्राहक लाती रहे तेरी कमीशन पक्की है। ये ले आपकी, तू 200 ले। 200 रुपए कमीशन है मेरी? अरे कितने ले फिर? तू कहा करे अल्लाह अल्लाह तो करे। ये इधर 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 दे। अरे घड़ी चालक बना है। अरे कहाँ मर गया जाएगा, सारा काम मुझसे करवा ले हराम की बच्ची। आप चले जाओ घूमने के लिए, नहीं परेशान कर दिया मैं। लो आगे तो कहाँ मर गई जाएगा हराम बच्ची। लो पैसे तावले फटाफट कहाँ है वो? कौन से पैसे? लो कौन से पैसे, पर्ची भुनाया लाया कर दिया मैंने जो। मेरे पे ना है पैसे, मैं तो जाके दवाई ले आई। लो मर गए। लो 500 रुपए दे दो। तुझे का साली टीवी हो रही है, क्या हो रहा तुझे? लो पैसे फटाफट। मेरे पे नहीं है, एक बार कह दी सुनाई नहीं देती क्या? भैरा है क्या? तू ऐसे ना बता, वैसे बता पैसे कहाँ है। मैं तो पदड़ू की माँ के साथ जाके भगत से ताबीज ले आई। हराम की बच्ची, तुझे पता नहीं उसके बारे में, तुम मुझसे पूछती? छतिया नहीं दिया मैंने पैसे, मैं तुझे नहीं दिया, टेकन के जाए घुस लाऊंगा। छतिया आकर देखो, मैं ताई से मिल गाऊ मैं उससे जाकर। आज पदड़ू भाई सुनिए जल्दी आता हूँ। बापू एक बात सुन ले, तू मुझे पदड़ू ना कहकर भौंके भौंके। अपनी छोड़ पहले मेरी सुन। हाँ तो भगत वाला कैसा आ गया तेरी माँ का? तो मुझे मेरे बता बापू, तो तुमने आज सुनी है भाई? हाँ। तेरी लुगाई ने सारे खेड़ गांव की औरतों का नाश कर दिया। अच्छा कमीशन बंधा हुआ, क्या बात है भाई? तू तो एक काम कर सके धर्म में मेरे कहने से। बताओ। तू 500 रुपए अपनी घरवाली को और दे। अब क्या? मेरी तरफ से। अच्छा मेरे तो उधार ले लिए। हाँ बाद में दे दूंगा तुझे। ठीक है। और उस तनु का तू एक तबीज और लग करवा के। ऐसा ही। और जब वो पदड़ू की माँ की गैल जाके तबीज करवाना। हाँ तो तू। हाँ मैं। अच्छा पदड़ू। हाँ और उसे भी बुला लेंगे करतारे को। अच्छा भक्तों को। अच्छा हम चलेंगे क्या पीछे पीछे? बा हमें तो पता ना था भगत कहाँ रहे हो। ठीक है। पहला पहला तो ठोकेंगे उसे भगत को। हाँ और फिर निपटेंगे इनसे। अब क्या बताइए तुमने काम की बात? बस तू यो काम कर दे मेरे कहने से। अभी जा रहा हूँ। चल और हम दोनों आ रहे। मैं भी जा रहा हूँ। अभी आ रहे हैं, अभी काम से नहीं मटके हम। ठीक मैं अभी तुझे वहीं मिलवा। जल्दी फटाफट चल तावड़ा चल। एक काम कर। क्या बापू? उसे करतार को आवाज दे जल्दी। अच्छा ठीक है। हाँ और उसे लेकर उसके बीरमो की बिजली पे मिल। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर चलेंगे साढ़े को। ठीक है उसे चलेंगे। अरे करतारे ओ करतारे आ जा आ जा आ जा। आज मेरे इनसे नहीं मटके हम। भगवान मेरे से गलती होगी जो मैं तेरे पे हाथ उठा। देखिए अब कभी हाथ ना उठाऊं। अब तू एक काम कर ले, ये 500 रुपए ले जा और एक तबीज और बनवा ला ऐसा ही। जल्दी जा ले ले जा। ठीक है बनवा के ले आती हूँ, और जब तक मैं आना जाऊँ ना इसे चलाते रहना और बैठ जाओ यहीं पे। ठीक है ठीक है। तो कल तक ना, तो मैं कल तक चलाता ही रहूंगा इसे। या परेशान ये अब देखूंगा मैं। जा तू अभी करते हैं। आज तो घने सारे लोग आ रहे हैं ताबीज कराने के लिए। अरे अरे भगत जो ताबीज कराने आ रहे, मेरा भूत तारण आ रहे। हम भगत
बेटा तीन तीन लिया बैठा, मारो उसको। दूसरा मैं कौन? बस 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 आज के बाद मैं उन्हें मैदान मजदूरी करके खिलाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ऐसी अंधा कभी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे नू करो, इसने पुलिस के हवाले कर दो। नहीं यार छोड़ दे, माफ कर दे आपको। और अच्छा उठा रहे इसको, आपका माफ कर दे मैं। हाँ एक मौका तो सुधरने का सबको देना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो, माफ करो नहीं तो पुलिस में देंगे साढ़े हजार दो हजार रुपए लेके वो छोड़ देंगे। और भाई गरीब आदमी है, इसे एक मौका कम से कम देना चाहिए सुधरने का। अगर यू कह रहा था इसने जब भी पैसा लाके घर में धरे, हाँ। जब भी लेगा भगला है, हाँ। समझ भाई? हाँ। और देख कौन है तू, भगत से सूफी से क्या मुसीबत है तू कौन है? हाँ। एक बात सुन ले कान खोल के, तन्ने साले आज के बाद अगर यू काम करे ना तो साले पूरे हिंदुस्तान की मिलिट्री भी बचा सकती तुझे मेरे से। हाँ। बता रहा हूँ तुझे मैं, तू एक बात सुन ले, ये तो मैं घर जाके देखूंगा। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। और गांव वालों तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रही हूँ। मेरी जो भी गलती है मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और जो मैं घर से भी निकली तो तुमसे पूछ के निकलूंगी। पिताजी मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे माफ कर दो जी। ठीक है देख ले, सही कह रही है। घमंडी छोड़, चलो चलो कर दो माफ, कोई बात नहीं। चलो भाई जैसी चार आदमियों की मर्जी, तू भाई पकड़ो बापू पकड़ो ही ना कह दियो, मेरा नाम है पदम सिंह। दारू बिना भी के जीना।